मतलब है जब भगवान कृष्ण बोलो तो वृंदावन में कल्प वृक्षों को लेकर खड़े हुए थे, अभी कृष्ण की इच्छा हो रही है लीला करने के लिए, लेकिन प्रभु तो अकेले लीला नहीं कर सकते, वो तो अकेले लीला कर ही नहीं सकते। जब इनकी इच्छा हुई मैं रास रचा हूँ, इतने कृष्ण का बाम अंग से एक अपूर्व सुंदरी एक दिव्य रूप माधुर्य लेकर के एक स्त्री प्रकट हुई, इसलिए वो रास मंदिर से प्रकट हुई, इसलिए उनका पहला अक्षर प्रकट है ला। लेकिन वो प्रकट होने के कृष्ण सेवा के लिए उन्हें धावित हुई, धावित मतलब दौड़ना, कृष्ण की सेवा के लिए दौड़ी, इसलिए उनका नाम पड़ गया ला और धा नाम पड़ गया। अभी वो एक से हो गए दो, लेकिन दो में भी जैसे प्लेयर क्रिकेट प्लेयर हो फुटबॉल प्लेयर हो दो से थोड़ी काम चलता है, नहीं चलता है। अभी से राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए अनंत रूप धारण करती है, अनंत रूप में प्रकाशित होती है कृष्ण की सेवा करने के लिए, इसलिए कहते राधा जी की जो एक एक भाव एक एक मूर्ति रूप धारण करती है, ये अष्टसखी रूप में राधा रानी प्रकट होती है। अष्टसखी कौन है? ललिता विशाखा चंपकलता कुंभ विद्या चित्रा सुचित्रा रंग देवी और सुदेवी, ये अष्टसखी रूप में राधा रानी स्वयं कृष्ण सेवा के लिए आठ रूप में धारण की है। कहते भैया इनकी सेवा क्या, ये क्या क्या सेवा करते हैं? बोले ताम्बुलम भक्त ललिता विशाखा मकरंद चंदनी चामरे चंपकलता तुंगा विद्या सुनिश्चनम सुदेवी जल सेवाया राजश्री रंग देवी के। कहते इनके अलग अलग सेवा है, कहते ताम्बुलम भक्त ललिता, बोले ललिता से क्या सेवा किया? बोले ताम्बुल बड़े सुंदर पानी की दुनिया बना करके बड़े सुंदर सुगंध दे करके राधा रानी को कृष्ण को खिलाती है, जिसको खाने से होश है ना, हम जैसे लिपस्टिक लगाते हैं, पहले कोई लिपस्टिक नहीं नहीं लगाया जाता था, इसलिए पहले ब्रह्म तत्व का तेल और ये पान खाने से अपने आप मुँह की लाल हो जाती थी, बड़े सुगंध निकलता था। इसलिए ताम्बुलम भक्त ललिता बोले विशाखाम इनकी क्या सेवा है? बोले विशाखाम गंध चंदनी चंदनी की बड़े सुंदर श्रृंगार राधा कृष्ण करती थी। बोले चामर है चंपकलता, ये चंपकलता की सेवा क्या? ठाकुर को चामर धुलाना। बोले सुदेवी जल सेवाया, बोले सुदेवी ठाकुर जी को बड़े सुंदर है कर्पूर डाल करके बड़े सुंदर नींबू और चीनी डाल करके बड़े सुंदर ठाकुर जी को शरबत पिलाया करती थी। इसलिए राजेश्री रंग देवी के, बोले रंग देवी का क्या? बोले बड़े सुंदर राम रामी गाते हैं, जिसको सुन करके प्रिया बड़े प्रसन्न हो जाते हैं राजेश्री रंग देवी के। इसलिए ये अष्टसखियाँ अलग अलग रूप में प्रकट होकर के ठाकुर जी के अनंत रूप में अलग अलग सेवा करती हैं। जैसे तमाल वृक्ष, तमाल वृक्ष हम देखने में बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर तो है, लेकिन अगर उसको ऊपर में कोई एक लता चढ़ जाए जितना और भी सुंदर हो जाता है। कहती है लता स्वरूप कौन? बोले से राधा रानी। पहले जब तमाल उसमें लता चढ़ गया राधा रानी, अगर उसमें पत्थर हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा, बोले पत्थर होने ललिता विशा गांधी सखियाँ, लेकिन अगर उसमें मंजरी जाए ना, अगर उसमें मंजरी अगर फूल की जाए जितना उसको और भी स्वभाव हो जाता है, अपूर्व स्वभाव हो जाता है। इसलिए ऐसे ही कृष्ण सुंदर होने पर भी कृष्ण तो सुंदर है नहीं, लेकिन जब से राधा रानी को, राधा रानी जब बाम पास में होती है ना, कृष्ण और भी सुंदर दिखते हैं। लेकिन जब उनको अष्ट सखियाँ चार तरफ में सखी मंजरियाँ होती हैं, कहते सखियाँ देखने में रंग कैसे बोले गोरी, सखियाँ कैसे राधा रानी की गोरी और सखियाँ भी गोरी है, अगर गोरी अगर ये गोरी को बीच में कृष्ण का रंग कैसे श्याम रंग है, जैसे इंद्र नील मणि
इंद्र नील मणि कृष्ण के साथ में उदाहरण दिया, सखिया गोरी और उसको अपने मतलब कृष्ण वैसे तो सुंदर है ही है, लेकिन जब कृष्ण गोरी गोरी गोपियों के बीच में होते हैं ना, कृष्ण और ही कृष्ण और भी सुंदर दिखते हैं। इसलिए ये अष्ट सखियों का मंदिर है, ये अष्ट सखी और कोई नहीं, ये ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, मतलब आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभी एव निज रूप कला दया भी। इसलिए ये और कोई नहीं, और ये आनंद चिन्मय रस भगवान कृष्ण की राधा रानी, और राधा रानी ही अनंत अनंत गोपी रूप में, अनंत करोड़ों गोपी रूप में राधा रानी अलग अलग रूप में प्रकट होकर क्या करती हैं, कृष्ण का अनंत अनंत रूप में कृष्ण की ये सेवा को प्रदान करती है सब के सब। इसलिए जो मंदिर कृष्ण जी के है, इसके हमारे भजन में गाते हैं ना, जय जय राधा कृष्ण। पावर बैंक है तुम्हारा, पावर बैंक है तुम्हारे पास, पावर बैंक है चार्ज। कभी भी कृष्ण को साथ में अलग रूप में मिलकर का आनंद लेना नहीं चाहते, इन्हीं का काम है राधा कृष्ण का जुगल मिलन कम कराए, राधा कृष्ण की जुगल मिलन कम कराए, यही इनकी आनंद है। कहते मंजरियों का क्या काम, इनका यही काम है राधा कृष्ण को जुगल मिलन क्या कराए कराए, लेकिन मिलते हैं तो कृष्ण रामायण को साथ में। कहते स्पृशति यदि मुकुंदम राधिका तब सखिना, कृष्ण जब राधा रानी को स्पर्श करती है ना, तब उनकी सखियों को स्पर्श करती हैं, लेकिन जो मंजरियाँ होती है ना, स्पर्श तो कृष्ण राधा रानी को कर रहे हैं, लेकिन स्वेद कंप अश्रु पुलक ये जितने दिव्य भाव है वो अपने आप मंजरियों के अंदर में ये अपने आप प्रकट होते हैं। अब बल्कि कृष्ण को जितने आनंद मिलता है, कृष्ण कृष्ण का जो पूछा जाए भैया तुम कौन हो, कृष्ण क्या बोलेगा, हम आत्मा राम आपका काम है, हैं उनका कोई अपनी परिचय नहीं। अगर राधा रानी को पूछो भैया तुम्हारी क्या परिचय है, राधा रानी सीधा राधा रानी कृष्ण के चरणों को दर्शन करते हुए बोले श्याम सुंदर ही मेरे प्रिय प्राण प्रिय तम। अगर ललिता दिशा का तो पूछो भैया तुम लोग कौन हो, वो क्या बोलेंगे, हम तो श्री जुगल सरकार की सेवा करने वाले। अगर ये मंजरियों को पूछो भैया तुम लोग कौन हो, ये बोलेंगे ललिता राधा रानी कृष्ण, ये सबको सेवा करने वाले हम हैं। इसलिए जितना नीचे भक्ति जगत में हम जितने नीचे उतरेंगे ना, उतना आनंद ही आनंद है, इतना आनंद ही आनंद है। इसलिए ये अष्टसखी और कोई नहीं, ये राधा रानी ही, इसलिए इनका नाम राधा, क्या नाम है, राधा शब्द को उल्टा दो क्या आपका जोर जोर, इसलिए वो राधा रानी नहीं, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम रस की जो धारा है ना, ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्री प्रभुदानंद सरस्वती कहते हैं जैसे सात समुद्र है, कितना समुद्र है, क्या क्या बोलो,
और साथ क्या क्या समुद्र साथ समुद्र है तट एक लवण समुद्र है हम तो एक समुद्र देखे हो एक लवण समुद्र एक ईश्वरस का समुद्र एक मधु का समुद्र एक घी का समुद्र एक है एक नहीं एक दूध का समुद्र और एक मदिरा का समुद्र है जैसे सात समुद्र है जैसे राधा रानी के अंदर में ये सारे सप्त समुद्र राधा रानी के अंदर में विद्यमान है इसे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं त्रिपैतक सिंधु रसपूर्ति त्रिपाइक सिंधु बात्सल्य सिंधु रसिकांद्र त्रिपाइक सिंधु लावण्य सिंधु रसमूर्ति त्रिपाइक सिंधु श्रीराधिक स्फुर सिंधु राधारण प्रेम का समुद्र लावण्य का समुद्र भाव समुद्र करुणा के समुद्र वैद्य के समुद्र कृपा के समुद्र सारे समुद्र की राधारायण के अंदर में सप्त समुद्र है इसलिए राधारायण कृष्ण को तुम देने के लिए कृष्ण का आनंद देने के लिए ये अष्टसखी रूप में राधा रानी ही अष्टसखी रूप में प्रकटित होगी और अलग अलग रूप में श्री श्याम सुंदर को आनंद प्रदान करते हैं इसलिए हम लोग जिस मंदिर में पहुंचे हैं ये अष्टसखियों का मंदिर है प्रार्थना करो देखो हम लोग डायरेक्ट ना कृष्ण को भी नहीं पा सकते आप लोग डायरेक्ट राधारानी को नहीं पा सकते हो पहले किसकी कृपा होनी चाहिए सबसे पहले गुरु वैष्णव का कृपा होनी चाहिए पहले किसका कृपा होनी चाहिए गुरु वैष्णव का कृपा होनी चाहिए जब इनकी कृपा हो गई है ना फिर इन्होंने ले करके सीधा कृष्ण के पास नहीं पहले आप उनको जो गुरु जी को हाथ में पहुँचाएंगे उनको गुरु जी क्या करेंगे बोले उनको गुरु जी के पास में पहुँचाएंगे उनको गुरु जी क्या करेंगे बोले उनको गुरु जी के पास में पहुँचाएंगे लास्ट में जाकर श्री रूप मंजरी क्या करेगी पर ललिता को पास में पहुँचा देगी राधा रानी पूछे कि भैया ये नई गोपी कौन है ये नई मंजरी कौन है फिर फिर ललिता सखी बोलेगी ये रूप मंजरी ने एक नई मंजरी नई सखी लेकर के आई फिर श्री ललिता सखी श्री राधा रानी को चरण में समर्पित करेगी फिर राधा रानी हमें लेकर क्या कृपा करेंगी श्री श्याम सुंदर में चरण लगाएंगे हम कोई भी डायरेक्ट राधा जी की सेवा बा श्री कृष्ण सेवा कर ही नहीं सकते हैं सबसे पहले किसको अनुगत करना पड़ेगा सबसे पहले श्री गुरु और वैष्णव की सबसे पहले अनुगत करना पड़ेगा गुरुदेव हमें युगल सेवा में हमें नियुक्त करेंगे इसलिए हम लोग ये सखियों की अष्ट सखियों की मंदिर में आए प्रार्थना करो कब हमारा कैसे सौभाग्य होगा क्योंकि ये सखी मंजरी के आनुगत्य में एक दिन श्री जुगल सरकार जी हमें सेवा प्राप्त हो ठीक है वंदिता गौर प्रेमानंदे सखी मंजरी अभी आएगा बाकी भी आएगी मंदिर बहुत बहुत बाकी मेरे मंदिर है क्योंकि हम उस मंदिर में ये मृतक करता घुसने नहीं देगा और कभी वहाँ देख कर रहे अगर कोई यहाँ चाहे तो अपना इच्छा से अपने जाओ अपना मंदिर पहुँच कर मंदिर में अपना मंदिर इसलिए दर्शन करने के लिए हरियाणा